दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दस भरी चांदी है तो उसमें कितने ग्राम का वज़न होगा ये आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि दस भरी चांदी में कितना ग्राम होता है तो सबसे पहले दोस्तों एक भरी के बारे में समझेंगे तभी जाकर हम दस भरी के बारे में जान पाएंगे दोस्तों भरी क्या है पहले के ज़माने में इसका इस्तेमाल किया जाता था सोना चांदी के लिए आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो एक भारी का वजन पहले के वक्त के हिसाब से क्या था तो आपका ग्यारह दशमलव छः छः या फिर छः सात ग्राम था वजन लेकिन आज के हिसाब से जो सुनार है दस ग्राम मानकर एक भारी का वजन से हिसाब से चांदी और सोने का हिसाब लगाया जाता है तो एक भरी में जब इतना ग्राम होता है तो दस भरी में अगर चांदी है तो उसमें कितने ग्राम आएंगे तो इसके लिए हमें सिंपल से करना क्या होगा सिर्फ़ एक भरी का उसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा कैसे देखिए चलिए मैं बताता हूँ एक भरी का हो गया इतना ग्राम मैं दोनों को बताने वाला हूँ कि कोई डाउट ना रह जाए तो दस भरी बराबर क्या हो जाएगा ग्यारह दसमलव छः सात गुड़े दस ग्राम बराबर दस गुड़े दस ग्राम जब इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा एक सौ सोलह दशमलव सात ग्राम अब जब दस गुड़ा दस मै तो दस दाह में सौ ग्राम तो यानी कि दस भरी बराबर अगर चांदी की बात करें तो एक सो साथ ग्राम पहले के हिसाब से आज के हिसाब से 100 ग्राम होगा दस भरी का वज़न ठीक है हमें जब एक भरी के बारे में पता होगा तब जाकर हम दस भरी हो चाहे पचास भरी हो या फिर सौ भरी हो उतने उतना ही वज़न का हम निकाल सकते हैं अगर यहीं पर पांच भरी होता तो हम क्या करते हैं सिंपल सा पाँच भरी बराबर आज के हिसाब से पाँच गुड़े दस बराबर पचास ग्राम हो जाता है यानी पचास ग्राम अगर चांदी है तो उसको हम पाँच भरी बोल सकते हैं ठीक या फिर अगर पुराने ज़माने से भी अगर निकालना चाहे तो आप लोग निकाल सकते हैं बहुत ही सरल है सिर्फ इसका गुड़ा कर देंगे तो कितना आ जाएगा एक सौ सो सोलह है तो कितना हो जाएगा जैसे ये पाँच सात पैंतीस पाँच हंसी लगा तीन पाँच एक पैंतीस तीन तैंतीस तीन लगा तीन पाँच एकम पाँच तीन आठ और पाँच एकम पाँच ये हो गया हमारा दो अंक पर दसमलव अट्ठावन तीन पाँच ग्राम पहले के हिसाब से तो यह है तरीका भरी को ग्राम में बदलने का तो आई होप आपको जानकारी नॉलेज अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में